मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जावेद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीजो, आज का हमारा मजमून है तजस्सम अल मसीह। अजीजो, कैथलिक के उलमा लफ्ज तजस्सम की बजाय तजस्सद को तरजीह देते हैं। अजीजो, तजस्सम के लुगवी मायने है जिस्म अख्तियार करना या जिस्म में जाहिर होना, लेकिन जब ये इस्तलाह मसीह यस्सु के लिए इस्तेमाल की जाती है तो इसका मतलब ये है कि ज़ाते अलाही के दूसरे अकनोम ने जिस्म इख्तियार किया। अजीज़ो, मसीह जिस्म नहीं बने बल्कि उन्होंने जिस्म इख्तियार किया। अजीज़ो, ये तालीम तमाम बाइबल में पाई जाती है, लेकिन इसे वाज़े तौर में यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत में बताया गया है। और यहाँ पर हमें यूं बयान मिलता है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का। अजीजो, इस टॉपिक को सीखने से पहले हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि जिस्म से क्या मुराद है। अजीजो, बाइबल में बुनियादी तौर पर लफ्ज जिस्म से मुराद गोश्त पोस्त का जिस्म है। अजीज़ो, इब्रानी ज़बान में जिस्म के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको बासार कहा जाता है, और यूनानी ज़बान में जो जिस्म के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो सारेक्स किया जाता है। अजीज़ो, चूँकि इब्रानी लोग जिस्म के साथ नफसी जबिलतें भी मंसूब करते थे, इसलिए पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि जिस्म इंसानी ज़िंदगी के दोनों पहलुओं यानी जिस्म और नफ्स का इहाता किए हुए हैं। ताहम इसकी अहमियत बशरियत से कहीं ज़्यादा है। अजीज़ो, बाइबल गोश्त पोस्त के जिस्म को इस हकीकत की अलामत समझती है कि इंसान मखलूक है और इसका खुदा पर इनसार है। अजीज़ो, इसे खुदा के बरअक्स जिस्म की ज़रूरत है ताकि वो अपना इजहार कर सके। बस जिस्म इंसान के लिए एक आम इस्तलाह बन गई जिसका इतलाक इंसान और हैवान दोनों पर होता है। अजीजो, इन्हें खुदा ने पैदा किया और वो इस ज़मीन पर थोड़ा अरसा रहते हैं जिसके दौरान खुदा इनके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंकता रहता है। बस इल्मे अलाही की रूह से जिस्म वो नहीं जो इंसान के पास है, बल्कि जो कुछ वो है उसका निशान पदाइशी तौर पर कमज़ोरी और नापायदी है, और इस लिहाज से वो रूह की ज़िद है जो अबदी और गैर मुतजलजल हस्ती है और खुदा से है और खुदा है। अजीज़ो, यह हवाला आपको यसाया 31वें बाब में मिलेगा। अजीज़ो, इसका मतलब यह है कि मसीह यस्सु जिस्म की हालत में आए और मोए, और वो तख्लीक करदा जिस्मानी और नफसानी ज़िंदगी की शर्त के तहत आए और मोए। लेकिन इसके साथ साथ नया अहदनामा इस बात की भी तस्दीक करता है कि जो मोआ वो अबदी खुदा था और हमेशा रहेगा। बस तजस्सम से जो फार्मूला उभरता है ये है कि किसी तौर से खुदा अपनी खुदाई से दस्तबरदार हुए बगैर इंसान बना। अजीज़ो, यूहन्ना रसूल भी अपनी अंजील के पहले बाब में यही कलाम करता है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। अजीज़ो, जो इब्तदा में तहलीके आलम से पेशतर ना सिर्फ खुदा के साथ था बल्कि वो खुदा था। अजीज़ो, यूहन्ना की अंजील पहला बाप और उसकी 1 से लेकर 3 आयत में यह हवाला आपको मिलता है। अजीज़ो, अब हम देखेंगे कि इस अकीदे की इब्तदा कैसे हुई और कहां से यह अकीदा स्टार्ट हुआ और कैसे यह अकीदा स्टार्ट हुआ। अजीज़ो, अगर हम इस अकीदे को अहद अतीक के तोहीद प्रस्ती के पस मंज़र में देखें, कुफर नज़र आता है और कट्टर यहूदी यही नज़रिया रखते थे। इससे ये ज़ाहिर होता है कि गोया हालके खुदा खुद अपनी मखलूक बन गया, जो पहली नज़र में ही मुतजाद मालूम होता है। बस ये सवाल पैदा होता है कि यूहन्ना रसूल को ये अजीब बयान लिखने की तहरीक कैसे हुई। अजीज़ो, इब्तदाई कलीसिया का ये ईमान
कि नासरत के यस्सु मुजस्सम खुदा हैं, कहां से उबरा। कुछ लोगों का ये मफरूजा था कि ये अकीदा मसीह खुदावंद के कौल और फेल से नहीं उबरा, बल्कि बाद में बना है। अजीजों, चुनाचे उन्होंने कोशिश की कि इसकी इब्तदा यहूदियों की किसी अजल से मौजूद फोकुल बशर हस्ती से मुतलक ख्याल आरायों में या बुत प्रस्तियों के एक नजात दहिंदा के बारे में देवमालाई किस्सों में, जो कि यूनानी इसरारी मजहब और घनास्ती बिदती फिरके का खासा था। अजीजो, लेकिन ये क्वेश्चन नाकाम रही। इसकी एक वजह तो ये थी कि यहूदी और गैर अक्वाम के ख्यालात और नए अहदनामा के इल्म मसीह में जो सतही मुताबकत नज़र आती है, इसकी नस्बत वो फ़र्क जो उनमें पाया जाता है, उसकी जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी थीं। अजीज़ो, दूसरी वजह यह थी कि तारीखी यस्सू के फरमुदात में बिलाशुबा अपनी अलौकियत का दावा पाया जाता था, और ये दावा इब्तदाई फ़लस्तीनी कलीसिया के ईमान और प्रस्तश का जुज़े अजीम और बुनियाद थी। लिहाजा इसकी सिर्फ एक ही तशरीह है, जिसकी वजह से उसके शागिर्द उसके सौदे आसमानी से पेशतर की उनकी अलोहियत के काहिल हो गए थे, और वो है यस्सु अल मसीह की शख्सी ज़िंदगी। अजीजों, उनकी खिदमत, मौत और क़यामत, यही वो हकीकत है जिसे चौथी अंजील बयान करती है। अजीजों, अमाल की किताब हमें बताती है कि इब्तदाई मसीही यस्सु मसीह से बतौर खुदावन दुआ करते थे, और वो उनके नाम यानी उन पर ईमान रखते थे, और वो मुनादी करते थे कि वो तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफ़ी देते हैं। अजीजों, इससे ये जाहिर होता है कि अगरचे शुरू में मसीह की अलहुयत को साफ अल्फाज में बयान नहीं किया गया, तो भी इब्तदाई मसीही इस बात पर ईमान रखते और उनसे दुआ किया करते थे। अजीजो, अगरचे तजस्सम की इस्तलाह बाद में अहज की गई, तो भी कलीसिया अपने इब्तदा ही से इस पर ईमान रखती थी। अजीजो, तजस्सम अल मसीह के सिलसिले में जो तीसरी बात पर गौर करना चाहिए वो ये है कि मुतजस्सद की शख्सियत यानी उनकी इंसानी ज़ात। अजीज़ो, अंजील मुकद्दस यसु को हकीकी और मकम्मल इंसान पेश करती है, यानी वो फ़ील वाक़े इंसान थे। इनका आगाज़ ज़िंदगी और वफ़ात हकीकतन और मकम्मल तौर पर इंसानी था। अजीज़ो, वो इंसान के तौर पर पैदा हुए, वो अपने आप को इंसान कहते थे, और सिर्फ वो ही नहीं कहते थे बल्कि उनको दूसरे लोग भी इंसान समझते थे। अजीज़ो, ये हवाले आपको यूहन्ना की अंजील, अमाल की किताब और पहले करंथियों में मिल सकते हैं। अजीज़ो, इनकी ज़ात में इंसानियत के असल अज़ा मौजूद थे, यानी मादी जिस्म और ज़ी अकल रूह। अजीज़ो, वो इंसानी नशोनुमा के आम असूल और इंसानी ज़रूरियात और तकलीफ के मताहित थे। अजीज़ो, इन्हें खुराक, नींद और दोस्तों की भी ज़रूरत थी। अजीज़ो, उन्होंने हमारी मानद इंसानी ज़िंदगी बसर की। अजीज़ो, वो इंसानी सरगर्मियों, खुशियों और दुखों में शरीक हुए। अजीज़ो, इनके जहन ने तरक्की की, इन्हें कशमकश और आजमाइश बर्दाश्त करना पड़ी, उन्होंने दुआ की। अजीज़ो, उन्होंने बाप पर ईमान और इन्हसार रखा और उसकी मर्जी पूरी करने में खुशी महसूस की। अजीज़ो, ये हवाले आपको मती की अंजील के चौथे बाप में, मरकस की अंजील के चौथे बाप में, लूका की अंजील के दूसरे बाप में और यूहन्ना की इंजील के चौथे बाब में और 11वें बाब में और 19वें बाब में मिल सकते हैं। अजीजों, फिर भी इसके साथ कि मसीह हकीकी इंसान थे, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वो बेगुनाह इंसान थे। इनके बेगुनाह होने के सबूत किताब मुकद्दस में हमें मिलते हैं, और इस सिलसिले में आप यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब और दूसरे करंथियों का 5वां बाब और इब्रानियों चौथा बाब और पहला पत्रस दूसरा बाब और पहला यूहन्ना तीसरा बाब पढ़ सकते हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि वो एक बेगुनाह शख्स था। अजीज़ो, तजस्सम के साथ जो दूसरी बात है
وہ ان کی الہی ذات تھی۔ عزیز و پرانے عہد نامے میں المسیح کی آمد کے بارے میں جو پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں ان میں ان کی الہی ذات کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ عزیز و یہ پیشن گوئیاں آپ کو یسعیاہ کی کتاب کے 9 باب میں اور میکا 5 باب میں، یرمیاہ 23 باب اور ملاکی 3 باب میں یہ ثبوت آپ کو مل سکتے ہیں۔ عزیز و پھر بھی نئے عہد نامے میں بڑے واضح اور صاف ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ عزیز و نیا عہد نامہ یسوع المسیح کو عہد عتیق کے خدا واحد کے ساتھ نسبت دیتا ہے۔ عزیز و المسیح اس بات سے بخوبی آگاہ تھے اور یہ ان کے خیالات اور تعلیمات سے عیاں تھا کہ مسیح کو بیٹا ہونے کا احساس شاید پہلی بار اس وقت ہوا جب وہ 12 کے تھے۔ عزیز و یہ حوالہ لوکا کی انجیل کے 2 باب میں آپ کو ملے گا۔ عزیز و ان کے بپتسمہ کے وقت پاک روح اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ عزیز و جب ان کے مقدمہ کے وقت ان سے حلفاً پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے، تو وہ اس بات میں جواب دیتا ہے کہ ہاں میں ہوں۔ عزیز و یہ بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں جو موسیٰ نے جھاڑی میں سے سنے تھے کہ میں جو ہوں وہ ہوں۔ عزیزو یہ ایسے الفاظ ہیں جو کوئی یہودی اپنی نسبت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان الفاظ سے خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ عزیزو مسیح نے اپنی نسبت یہ الفاظ استعمال کر کے صاف ظاہر کر دیا کہ ان کے خدا کے بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الہی ذات ہیں۔ عزیزو اسی وجہ سے انہیں موت کی سزا دی گئی۔ جب بھی خداوند یسوع نے اپنے متعلق کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ لاسانی نزدیکی تعلق ہے۔ عزیزو چاروں اناجیل میں اس ضمن میں قدرے کم حوالے ملتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ حوالے متی کی انجیل کے 11 باب، لوکا 10 باب اور مرکز 13 باب اور متی 24 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ متی کی انجیل کے 12 باب میں بھی آپ کو حوالے مل سکتے ہیں، لیکن یوحنا کی انجیل میں اسے وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ عزیز و یوحنا کے مطابق یسوع خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ عزیز و ان کا باپ کے ساتھ کامل محبت، کامل ینگانگیت اور کامل شراکت میں لا تبدیل تعلق ہے۔ عزیز و بطور بیٹا وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ اپنے باپ کی مرضی پوری ہونے دیتے ہیں اور اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ عزیز و انہیں باپ نے اس دنیا میں بھیجا اور انہیں پورا کرنے کے لیے ایک کام سونپا گیا۔ عزیزو وہ اپنے باپ کے نام سے آئے، اور چونکہ ان کے اعمال اور قول باپ کے حکم کے متحد تھے، اس لیے اس زمین پر ان کی زندگی سے خدا کا مکمل اظہار ہوتا ہے۔ عزیزو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، تو اس سے مسیح کی الوہیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بیٹا ہوتے ہوئے ان کی فطرت ہے کہ ہر وقت خوشی سے بیٹے کا سا مزاج دکھائیں۔ عزیز و باپ نے بیٹے کے سپرد اپنے 2 کام کیے ہیں، یعنی زندگی دینا اور عدالت کرنا، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں۔ عزیز و اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ سب لوگوں سے کہتا ہے کہ توما کی طرح مسیح کو ویسے ہی مخاطب کریں جیسے کہ خدا باپ کو، یعنی اے میرے خداوند، اے میرے خدا کہہ کر یاد کرتے تھے۔ عزیز و نیا عہد نامہ میں مسیح کو خدا کا بیٹا بیان کیا گیا ہے، جس سے ان کی الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ عزیز و یہاں صرف چند حوالے جو زیادہ اہم ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوحنا رسول خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو خدا کا ازلی کلمہ بیان کرتا ہے۔ عزیز و یہ حوالہ یوحنا 1 باب میں اور یوحنا 1 باب کی 3 آیت میں اور یوحنا 1 باب کی 1-18 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عزیز و اس کے علاوہ مکاشفہ کے 19 باب میں بھی یہ حوالہ آپ کو ملے گا۔ عزیز و پولوس رسول انہیں مجسم ہونے کے بعد اور ان کے تجسم سے پیشتر دونوں صورتوں میں اندیکھے خدا کی صورت کہتا ہے۔ عزیز و یہ حوالے آپ کو 2 کے 4 باب میں اور کلسیوں 1 باب میں اور فلپیوں 2 باب میں ملیں گے۔
अजीजों, जब कलाम मुजस्सम हुआ तो ना सिर्फ उन्होंने अलोहियत को तर्क किया और ना वो कम हुई और ना ही वो अपने तजस्सम से पेशतर कैसे कामों से दस्तबरदार हुए। अजीजों, हमें बताया गया है कि उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं और वो सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अजीजों, जब वो ज़मीन पर थे तो यकीनन ये काम जारी रहे, जब वो इस दुनिया में महबूस हुए तो उन्होंने अपने आप को ज़ाहरी जाहो जलाल से खाली रखा। अजीजों, यूँ वो गरीब बन गए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तजस्सम की वजह से उनकी अलोहियत तो कुदरत ख़त्म हो गई। अजीजों, मुजस्सम मसीह के बारे में पौलुस रसूल कहता है कि अलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। अजीजों, ये हवाला आपको कुलुसियों दूसरे बाब में मिलेगा। बस खुदा के बेटे का तजस्सम उनकी अलहियत को मुतासर नहीं करता बल्कि इंसानियत को पहन लेता है, जिस तरह बाद में पाकरू इंसानों में सकूनत करने के लिए आया और बेटा वैसे ही जिस्म में सकूनत करने के लिए नहीं आया। अजीजों, इसके बरक्स बेटे ने शख्सी तौर पर मुकम्मल इंसानी ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दी। उन्होंने इंसानी जिस्म और नफ्स दोनों को अपना, यानी वो इंसान के जिस्मानी और नफसी दोनों तजर्बों में शामिल हुए। अजीजों, यूँ यसु मसीह इंसान है और उनकी ये इंसानियत अबदी है। अजीजों, ये हवाला आपको पहले तिमोथियुस के दूसरे बाब में मिलता है। अजीजों, अगरचे अब वो आसमान पर हैं तो भी उस एक शख्स में अलाही और इंसानी दोनों फितरतें कायम हैं जो हमेशा यूं ही रहेंगी। अजीजों, इसलिए इब्रानियों 7वें बाब की 24वीं आयत में फरमाया गया है, मगर चूंकि ये अबद तक कायम रहने वाला है इसलिए उसकी कहानत लाजवाल है। अजीजों, ये अल्फाज इब्रानियों के 7वें बाब की 24वीं आयत में मरकूम है। अजीजों, अब हम देखेंगे कि तजस्सम की ज़रूरत महसूस क्यों हुई। अजीजों, ये समझने के लिए हम इसके पसे मंज़र में जाएंगे। अजीजों, इस दुनिया में सिर्फ बाइबल मुकद्दस की एक ऐसा ज़रिया है जिससे तख्लीके आलम के हालात पर रोशनी डाली जा सकती है। अजीजों, बाइबल में इंसान की पैदाइश के बारे में मरकूम है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी और अपनी सूरत पर पैदा किया। अजीजों, ये हवाला आपको पैदाइश की किताब और उसके पहले बाब में मिलेगा। अजीजों, इस इस्तलाह यानी खुदा की शबी और सूरत के दो मतलब हैं। अजीजों, एक को हम अखलाकी सूरत कहते हैं, इससे वो रूहानी खासियतें मुराद हैं जो गुनाह में गिरने से पहले तख्लीक के वक्त इंसान में मौजूद थी, यानी खुदा का हकीकी इल्म, रास्तबाजी और पाकिजगी। अजीजों, दूसरी को हम फितरी सूरत कहते हैं, इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़ात में रूहानी जी अक्ल और गैर फानी हस्ती है। अजीजों, मुख्तसरन हम यूँ कह सकते हैं कि खुदा ने इंसान को शुरू शुरू में गुनाह से पाक पैदा किया और वो खुदा की ज़ात व सफ़ात का नक्श था। अजीजों, यही वजह है कि जिसकी बुनियादी सिफ्त ही पाकिजगी है, पहले इंसान के साथ रफाकत व शराकत खुदा रखता था, लेकिन जल्द ही ये रफाकत गुनाह के बायस टूट गई। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह अबलीस के ज़रिए पहले ही इस दुनिया में मौजूद था। अजीजों, ये हवाला आपको यसाया की किताब और 14वें बाब में मिलेगा और इसी तरह हिज़कीएल के 28वें बाब में मिलेगा। अजीजों, फिर भी वो नस्ल इंसानी में आदम के ज़रिए दाखिल हुआ। अजीजों, खुदा ने आदम को हुक्म दिया था कि नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। चुनाचे जब उसने उस फल को खाया तो उसने खुदा की अखलाकी सूरत यानी खुदा के हकीकी इल्म, रास्तबाजी और पाकीज़गी को खो दिया। अजीजों, इससे इंसान की सारी तबीयत बिगड़ गई और इसका असर उसकी ज़िंदगी के हर हिस्से पर होने लगा और वो इस काबिल ना रहा कि अब मजीद खुदा उनके साथ रफाकत और शराकत रख सके। अजीजों, जब इंसान की असल हालत में तब्दीली हुई तो उसका असर उसके एहसासात पर भी हुआ
और वो महसूस करने लगा कि वो नापाक है। अजीजों, उसके ज़मीर ने उसे बताया कि वो गुनहगार है, लिहाजा अब वो खुदा से डरने लगा और अपने आप को पत्तों में छुपाने लगा। अजीजों, इसके अलावा वो मौत की सज़ा के हुक्म के मतहत आ गया था। अजीजों, ये मौत रूहानी और जिस्मानी दोनों थी, लेकिन ये मौत मुलतवी रखी गई। अजीजों, चूंकि अब गुनाह के बाद इंसान खुदा से मजीद रफाकत व शराकत नहीं रख सकता, इसलिए खुदा ने उसे अपनी हजूरी से निकाल दिया। अजीजों, अब खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार हायल हो गई। अजीजों, आदम चूंकि जद्द इंसानी का एक आला है, अलावा अजीम खुदा ने अहदी तालक भी पैदा किया जिसके मुताबिक आदम अपनी सब औलाद का नुमाइंदा बन गया। तो जब नस्ल इंसानी का बाप और नुमाइंदा होने की हैसियत से उसने गुनाह किया, तो उसके गुनाह का जुर्म या कसूर उन सब पर आयद हुआ जिनकी नुमाइंदगी वो करता था। अजीजों, इस सबब से वो सब गुनाह की हालत और गुनाह के मतहत पैदा हुए। अजीजों, एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं वो मौत सब आदमियों में फैल गई। अजीजों, इसके नतीजे में वो सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए, यानी खुदा के साथ वो रफाकत जो आदम अपनी मखसूसियत के ज़माने में रखता था, गुनाह के सबब से टूट गई। अजीजों, अब कोई शख्स भी जो आदम के सुलभ से पैदा होता, गुनाह की वजह से खुदा से रफाकत और शराकत नहीं रख सकता था, क्योंकि खुदा की नज़र में तमाम नस्ल इंसानी गुनाह के मतहत और गुनहगार है। अजीजों, खुदा से रफाकत रखने के लिए बनी इसराइल ने भी कोशिशें की, और खुदा ने उन्हें हुक्म दिया, काहनों को हुक्म दिया खुदा ने, कि जब भी तुम लोग मेरी हजूरी में आया करो तो अपने आप को पाक करके आया करो। अजीजों, खुदा इस हालत में भी उनके साथ रहना चाहता था। अजीजों, जब उन्होंने हैमा इज्तमा बनाया तो हैमा इज्तमा के ऊपर भी खुदा का अबर छाया रहता था, जिसके लिए हिब्रू में लफ्ज़ शकीना इस्तेमाल किया जाता है। अजीजों, इस सारे काम के लिए और खुदा से मिलने के लिए और खुदा से बातें करने के लिए उन्हें कुर्बानियां चढ़ानी पड़ती थी और बरे का खून ले जाकर उंडेलना पड़ता था। अजीजों, ये इसलिए करना पड़ता था क्योंकि खुदा और इंसान के बीच में एक दीवार पैदा हो चुकी थी जो कि आदम के गुनाह की वजह से पैदा हुई थी। अजीजों, अब हम ये देखें कि तजस्सुम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अजीजों, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक गुनहगार इंसान खुदा के साथ रफाकत और शराकत कैसे रख सकता है? क्या वो अपनी मसाई में अमाले हसना से इस टूटी रफाकत को बहाल कर सकता है? अजीजों, बाइबल मुकद्दस इसका जवाब ये देती है कि नहीं, इंसान में कोई खूबी या लियाकत ऐसी नहीं कि वो खुदा तक रसाई हासिल कर सके। अजीजों, पौलुस रसूल लिखते हैं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। अजीजों, ये हवाला आपको रोमियो 7वें बाब में मिलेगा। और अजीजों, ये भी लिखा हुआ है कि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि वो कोई फ़ख्र ना करे। अजीजों, ये हवाला आपको इफ़सियों 2 बाब में मिलता है। अजीजों, इसके अलावा ये भी मरकूम है कि उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हम खुद करते हैं। अजीजों, बस इंसान अपनी बिगड़ी हुई फितरत या तबीयत के बायस इस काबिल नहीं कि वो अपने अमाल या किसी और तरीके से खुदा ताला तक रसाई हासिल कर सके। अजीजों, इससे ये बात साबित होती है कि इंसान अपनी तबीयत में आलूदगी और बिगाड़ के बायस खुदा की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता। अजीजों, इसलिए लाजिम है कि खुदा खुद ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और उनकी तरफ
अपना कदम भी बढ़ाए। अजीजों, अब गुनाह को हटाने के लिए ज़रूरी था कि खुदा इंसान को उसके गुनाह की सज़ा देता, जिससे इंसान की हलाकत यकीनी होती, या फिर वो खुद गुनाह के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा इंतज़ाम करे कि एक तरफ तो गुनाह का ठीक ठीक बदला मिले और दूसरी तरफ इंसान बच भी जाए। अजीजों, ये इंतज़ाम सिर्फ फ़िदिया देने ही से मुमकिन था, यानी खुदा खुद इंसान का फ़िदिया अदा करता, और उसने यही किया। अजीजों, चूँकि गुनाह इंसान से सरज़द हुआ, इसलिए उसका फ़िदिया भी सिर्फ इंसान ही दे सकता था। अजीजों, इसकी सपोर्टिंग में आप एक हवाला भी पढ़ सकते हैं, जो कि इब्रानियों 10वें बाब की 4वीं आयत है। अजीजों, फिर भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो गुनाह से मुबराओ पाक हो। अजीजों, एक गुनहगार इंसान दूसरे गुनहगार इंसान के गुनाह का फ़िदिया नहीं दे सकता। अजीजों, यहाँ इम्कान तजस्सम पैदा होता है कि कोई ऐसा इंसान आए जो गुनाह से मुबरा हो और खुदा ने उसका इंतज़ाम किया। बस जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल ले ले और छुड़ा ले। अजीज़ो, शैतान ने इंसान में खुदा की शबीह सूरत को बिगाड़ दिया था, लिहाजा खुदा ने उसी से मुशाबह तरीके से उस शबीह सूरत को फिर बहाल कर दिया। अजीज़ो, इंसान के गुनाह में गिरने की कहानी यूं शुरू होती है कि शैतान ने एक औरत से कलाम किया और यही नस्ल इंसानी की हलाकत का बायस बना। अजीज़ो, इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने फिर एक औरत से कलाम किया जो कुंवारी थी, और वो कलाम ज़िंदगी का बायस बन गया। अजीज़ों, एक शैतान के कलाम पर औरत ईमान लाने के बायस ना सिर्फ गुनाहगार ठहरी, बल्कि अपनी नस्ल को भी गुनाह में गिरा दिया। अजीज़ों, दूसरी तरफ कलाम पर ईमान लाकर ना सिर्फ औरतों में मुबारक शुमार हुई, बल्कि इंसान को गुनाह से नजात दिलाने का बायस बनी। अजीज़ो, पौलुस रसूल पहले करंथियों के 15वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत में यूं कहते हैं कि आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। पहला आदम एक ऐसी नस्ल का बानी है जो हलाकत की विरासत है, और दूसरा यानी मसीह उसी नस्ल के बानी है जो हमेशा की ज़िंदगी के वारस हैं। अजीज़ो, खुदा ने अपने बेटे को इसलिए जिस्म में भेजा ताकि एक कामल इंसान गुनहगार इंसान का फ़िदिया दे। अजीज़ो, उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो। अजीज़ो, मसीह यस्सू कामल इंसान और कामल खुदा हैं। उन्होंने बतौर इंसान एक इंसान का कफारा दिया, ताकि गुनाहगार इंसान खुदा के हजूर रास्तबाज ठहर सके। अजीज़ो, अब आप समझ गए होंगे कि तजस्सम अल मसीह क्यों ज़रूरी था और खुदा ने जिस्म क्यों इख्तियार किया। अजीज़ो, इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आमीन।